अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सुबह उठते ही पहले मैं चला गया छत के ऊपर पौधों को पानी देने के लिए, और पौधों को पानी देते हुए थोड़ा बहुत पौधों की सेटिंग कर ली। जैसे आप ये फूल को देख रहे हैं कि कितना प्यारा माशाल्लाह से उग रहा है। बकाया इसमें भी मैंने दो डंडियाँ देखे, इसको थोड़ा सोर्स दे दिया। पौधों वगैरह को पानी देने के बाद मैं नीचे ऊपर आया, शीर्षक के लिए तैयार वगैरह होकर नाश्ता किया और व्लॉगिंग कैमरा लेके खड़ा हो गया शीशे के सामने। इसके बाद मैं निकल गया शीर्षक के लिए, और शीशे जाते हैं मेरे को 15 मिनट लगी, और 15 मिनट बाद मैं पहुंच गया कर्नल गोडाउन में। वहाँ पहुँचते ही मैंने डायरेक्ट शफी को कॉल की, जब भी तक नहीं आया तो उसने कहा मैं थोड़ा लेट आऊँगा। वैसे ही आज हमारा फेरी करने का मूड नहीं था, तो जैसे ही शफी आया हम लोग बैठ गए ठीक है के अंदर, और वहीं पर हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू हो गए, अपना ऑनलाइन बिजनेस काम शुरू करना शुरू हो गए। काम तो कुछ इतना खास हुआ नहीं, तो हमने सोचा कि मुर्तज़ा भाई को ही फ़ोन करके यहाँ पर बुला ले। 12:30 बजे हमने मुर्तज़ा भाई को फ़ोन किया कि नमाज साथ में पढ़ते हैं, तो वो इतने में हमारे पास आ गए और हम लोग इनके साथ शुगर मशीन लगाना शुरू हो गए। एज़ ऑलवेज शफी यहाँ पे स्ट्रिपिंग मशीन से इनको तंग किया जा रहा था, जैसे हमेशा ही करता है। मुर्तज़ा के साथ टाइम पास करते करते कब 1 बज गया हमें मालूम ही नहीं पड़ा। तो जैसे मैंने अचानक से टाइम देखा, मैंने सोचा कि यार नमाज का टाइम हो चुका है, तो क्यों ना मैं और मुर्तज़ा नमाज के लिए निकल जाते। नमाज पर जाते जाते मुर्तज़ा थोड़ा आगे चल रहा था, इस वजह से उसको फ्रेम में दिखा नहीं पाया। नमाज के लिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, और हमें जगह भी छत की तरफ मिली जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैं उधर की व्लॉगिंग करना शुरू हो गया, और वहाँ से आ गया इन उस्ताद की चाट खाने। चाट वगैरह खाने के बाद इस सुपर चैनल के सामने एक नया रेडियो वाला लगा हुआ था, जिसके बाद नींबू पानी वगैरह था, तो हमने सोचा क्यों ना इसका नींबू पानी टेस्ट किया जाए। इसका नींबू पानी माशाल्लाह से मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो ये पीने के फौरन बाद में निकल गया ठीक की तरफ। और वहाँ पे जाते जाते मेरे को रस्ते मिल गया, यूनस खान भाई जो है गोदाम की तरफ जा रहे थे, उन्होंने हमारे को रिपोर्ट भी दी कि माल इधर आया हुआ है। जुम्मे का दिन था, नमाज वगैरह सब पढ़ ली थी और फ्री टाइम था, तो सोचा क्यों ना वीडियो वगैरह बना ली जाए। वहाँ से मैं और मेरा कज़न शफी निकल गए कबाड़ी मार्केट की तरफ, जहाँ पर हमने थोड़ी शुगर मेला लगाई, माल वगैरह की तस्वीर ली, और वापसी में जब आ रहे थे तो मेरी बाइक वहीं पे पंचर हो गई। पंचर इतना गंदे तरीके से हुआ था कि मेरी पूरी ट्यूब फट चुकी थी, और मेरे को बड़ा अफसोस भी हो रहा था। उसके बाद मैंने लगा लिया 550 रुपये, उसके बाद खर्चा ट्यूब और उसकी मजदूरी भी आ गई, जिसमें ज़्यादा मैं रास्ते में वीडियो नहीं बना पाया। तो आज का मैं व्लॉग इधर ही एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।